सो वी स्टार्ट द क्लास। कल किसी स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर वो फर्स्ट जो लेक्चर कॉलेज में लिया था ना, उसका नोट्स डालने के लिए कहा था, तो वो मैंने डाल दिया था, है ना, जो फर्स्ट लेक्चर कॉलेज में जो लिया था, तो उसको देख लेना आप लोग बात। और अभी जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको करवाया था, वो जिसमें टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो मैंने आपको करवा दिया था। कल जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिंग में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये मैंने आपको करवा दिए थे। अब ये हाँ तो सर, है ना, ये जो क्वेश्चन आए थे, जो शुरू के जो दो चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है आपके थ्योरी का, और एक इसमें से न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो शुरू में मैं आज एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और एक सिंपल न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। इसमें बहुत सारी की वैरायटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, है ना। तो एक शुरू वाले कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ लीजिए कि कैसे अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो पहले डीसी करवाऊंगा सारा सारा, और उसके बाद एसी करवाएंगे, तो डीसी का समझ में आ जाएगा। तो एसी का बिल्कुल उसी तरीके से होता है, फर्क क्या लिए, कैलकुलेशन सारी की सारी एसी की आ जाएगी डीसी की बजाय, तरीका वो का वो रहेगा, ठीक है। अब डीसी टू वायर सिस्टम, सबसे पहले डीसी टू वायर सिस्टम कंसंट्रेटेड लोड और फेड एट वन पॉइंट। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टू वायर लिखा हुआ है, लेकिन हम सिंगल वायर से ही कैलकुलेशन करेंगे सारी सारी। जो सेकंड वायर जो होगा वो रिटर्न पाथ होगा, उसमें डायग्राम में उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो डीसी टू वायर सिस्टम समझ में आ गया, टू वायर सिस्टम बनेगा डीसी का। फेड एट वन पॉइंट, इस पे लिखा हुआ नहीं है, फेड एट वन पॉइंट मैं लिख देता हूँ इसमें। फेड एट वन पॉइंट मतलब क्या है कि जो सप्लाई है ना वो एक ही पॉइंट से दी जा रही है, दिस इज मीनिंग ऑफ फेड एट वन पॉइंट। फीड फ्रॉम या फीड एट वन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको एक ही पॉइंट से अपन फीड कर रहे हैं, एक जगह से फीड कर रहे हैं। कहां से फीड कर रहे हैं अपन इसको? अपन फीड कर रहे हैं बिंदु ए से, पॉइंट ए से सप्लाई दी जा रही है। फीड कर रहे हैं मतलब बिंदु ए से सप्लाई दे रहे हैं। इसको कहां सप्लाई दे रहे हैं? यहां इसका सप्लाई है, ये दिस इज आवर सप्लाई पॉइंट, ये सप्लाई पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। कौन सा हुआ? अब मीनिंग है कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड का मतलब ये है कि आपकी जो दो टाइप के इसमें लोड रहेंगे, कल एक करवाऊंगा मैं आपको, कंसंट्रेटेड लोड, ये कंसंट्रेटेड लोड है। इसका मतलब ये है कि हमने बिंदु बी से आई वन करंट ड्रॉ कर लिया, सी से आई टू करंट ड्रॉ कर लिया, डी से आई थ्री करंट ड्रॉ कर लिया, ये कहलाते हैं कंसंट्रेटेड लोड, एकत्रित लोड। दूसरे टाइप का जो लोड होगा उसको कल डिस्कस करेंगे किस टाइप का वो लोड होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ए बी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ए बी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जिसमें बी में से मैंने लोड लिया, सी ए सर्विस मेंस है, बी के ऊपर सर्विस मेंस है, सी के ऊपर सर्विस मेंस है और डी के ऊपर सर्विस मेंस है। बी से मैंने लोड ले लिया आई वन, सी से मैंने लोड ले लिया आई टू और डी से मैंने लोड ले लिया आई थ्री, तीन लोड ले रखे। तो सेक्शन सीबी में करंट कितना होगा? आई वन होगा। सेक्शन डीसी में करंट कितना होगा? ये आई टू तो यहां ले ही रहा है, ये आई वन है, तो सेक्शन डीसी में करंट हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। और सेक्शन ए डी में करंट, यहाँ करंट आई थ्री है, तो सेक्शन ए डी में करंट होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो उस दिन जो मैंने जब इसका डिस्ट्रीब्यूटर का बताया था आपको, तभी बताया था कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म रहता है करंट। एडी सेक्शन में आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री सबसे ज्यादा करंट होगा, जो सिरा जो सेक्शन सप्लाई पॉइंट के सबसे ज्यादा नियरेस्ट रहेगा उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जो सबसे ज्यादा दूर पे रहेगा ए बी पे, बी पॉइंट पे रहेगा, बी सी सबसे दूरस्त सिरे के ऊपर, फीडर या डिस्ट्रीब्यूटर में करंट सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो तीन सेक्शन बनेंगे, एडी, डीसी और सीबी, या सीबी लिख दो, सीडी लिख दो, एडी लिख, ठीक है। ये एक टेबल बता रखी है मैंने। हमें बेसिकली क्या करना है,
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रखा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, जबकि बिंदु ए का वोल्टेज अपने को दिया हुआ होगा, इसका वोल्टेज अपने को दिया होगा ए का सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक टेबल बना लीजिए अगर आपको कंफर्टेबल लगता है। यहाँ सेक्शन लिख दीजिए, हर सेक्शन का करंट, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस और हर सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो होएगा आपके करंट इंटू रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो करंट इंटू जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन में करंट और उस पर्टिकुलर सेक्शन का रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आपके उस सेक्शन का, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, सेक्शन सी बी, ये सेक्शन है सी बी, करंट कितना है इसमें? I1, दिस करंट इज I1। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर बी सी। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब रेजिस्टेंस दिया होगा टोटल कंडक्टर का और हर सेक्शन की लेंथ दी होगी, तो हम उस लेंथ के हिसाब से और टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से हर सेक्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा जब बताऊंगा कैसे इसको कैलकुलेट अपन करते हैं। तो रेजिस्टेंस का नाम क्या दे दिया अभी? आर बी सी। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? ये है वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये वोल्टेज ड्रॉप, समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है ये? तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट I1, रेजिस्टेंस RBC, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसका I1 इनटू RBC, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब लिया सेक्शन सेकंड, हर सेक्शन लेते जाएंगे। अब सेक्शन लिया DC या CD, कुछ भी नाम दीजिए, इसमें करंट, सेक्शन का नाम है DC, करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है I1 प्लस I2 कैसे होगा? क्योंकि I1 तो यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, तो सारा करंट यहाँ से आएगा। KCL लगा दीजिए, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, जा रहा है I1 और I2, तो आएगा I1 प्लस I2 विद दिस डायरेक्शन। सो I1 प्लस I2 DC सेक्शन में कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस का नाम दे दिया RDC, DC सेक्शन रेजिस्टेंस RDC। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? करंट I1 प्लस I2 इनटू RDC, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा सेक्शन ले लें अपन, तीसरा सेक्शन कौन सा हो जाएगा? AD, ये तीसरा सेक्शन हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? वही कैसे लगा दीजिए, I1 प्लस I2 यहाँ जा रहा है, I3 यहाँ जा रहा है, दिस इज और I3, तो टोटल करंट इज इस सेक्शन में कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन तो हो गया AD, करंट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस का नाम दे दिया RAD, AD सेक्शन है, करंट रेजिस्टेंस का नाम दे दिया RAD, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I1 इंटू I2 इंटू I3 इंटू RAD, ये वोल्टेज ड्रॉप। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद अब अपने को डिफरेंट जो हमारी ये है पॉइंट्स, नोड पॉइंट्स जो है, नोड पॉइंट बोल सकते हैं, लोड पॉइंट बोल सकते हैं, बी सी ओ डी, इसका वोल्टेज कैलकुलेट होना है, जबकि वी ए इज गिवन टू अस, वी ए इज गिवन टू अस। वी डी क्या हो जाएगा? देखिए इसमें केवीएल और केसीएल दोनों ही लगेंगे सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो केवीएल केसीएल लगेंगे इसके अंदर। तो अब अपने को ये जो वोल्टेज है ना, ये दिया हुआ है, वी डी निकालना है, यहां से चालू करेंगे, वी डी निकालना है अपने को। वी डी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस ए डी में ड्रॉप, वी डी बराबर वी ए माइनस ए डी में ड्रॉप, ठीक है। ये वी ए माइनस ए डी में ड्रॉप, ए डी में ड्रॉप भी अपने कैलकुलेट कर लिया पहले से ही, तो ए डी में ड्रॉप वी डी रख दीजिए, वी डी आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे वी सी, जब वी डी आ जाएगा उसके बाद वी सी सी निकलेगा, वी सी बराबर क्या होगा? वी डी माइनस डी सी में ड्रॉप, वी सी बराबर वी डी माइनस डी सी में ड्रॉप, ये हो जाएगा वी सी आपका,
डीसी में ड्रॉप निकाल लिया, दिस इज द ड्रॉप इन डीसी। और लास्ट सी आ गया अपने पास, वी सी आ गया तो अब निकलेगा वी बी। वी बी क्या हो जाएगा, वी सी माइनस सी बी में ड्रॉप। वी बी बराबर वी सी माइनस सी बी में ड्रॉप। ये तीनों कलर कोड से मैंने अलग अलग वोल्टेज भी लिख रखे हैं, अलग अलग ड्रॉप भी लिख रखा है। समझ में आ गया क्या ये? समझ में आ गया क्या सर? इसको दोबारा रिपीट करो, ये ड्रॉप कैसे है? ड्रॉप पहले ये कैलकुलेट कर लिए सारे सारे ड्रॉप, यहां पर ये वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया अपन ने। और अब अपने को सबसे पहले जो सप्लाई पॉइंट सबसे पास का वोल्टेज है ना वो निकालना पड़ेगा। वीए अपने को दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, तो डी का वोल्टेज क्या होगा, वीए का वोल्टेज माइनस एडी में ड्रॉप। तो वीडी बराबर क्या होगा, वीए माइनस एडी में ड्रॉप। जब सी निकालेंगे तो वीडी माइनस डीसी ड्रॉप करेंगे। वीडी अपन ने कैलकुलेट कर लिया ऊपर, या कैलकुलेट कर लिया, तो वीसी बराबर क्या होगा, वीसी बराबर होगा वीडी माइनस सीडी में ड्रॉप, वीडी माइनस सीडी में ड्रॉप। और वीबी कैसे निकालेंगे, वीसी अपने पास आ गया तो वीसी माइनस सीबी में ड्रॉप, वीसी माइनस सीबी में ड्रॉप। केवीएल देखने ध्यान हो तो जब अपन करंट की दिशा में चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप घटते जाएंगे। तो ए से डी में चलेंगे तो डी की वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस ए डी। सी की वैल्यू कितनी होगी, डी माइनस सी डी। और बी की वैल्यू कितनी होगी, सी माइनस बी सी। ये ड्रॉप इस तरह से कैलकुलेट कर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल करते हैं अपन सिंपल। ये न्यूमेरिकल है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इसको बता देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक ए बी डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ए बी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी लेंथ कितनी है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर लंबा डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके। जिसमें प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस, प्रत्येक ये देखिए ये इस लाइन को इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप, एक तो वो देगा लूप रेजिस्टेंस और एक देगा वो प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या मीनिंग है लूप रेजिस्टेंस, मतलब ये है कि दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस देगा, ओके। प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, ये दे रखा है 0.01 per 1000 किलोमीटर। कितना दे रखा है, प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.01 ohm per 1000 मीटर, ये रेजिस्टेंस दे रखा है इसने, ठीक है। मीन्स एक वायर का रेजिस्टेंस, ये जो एक वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.01 ohm per 1000 meter, 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर डिस्टेंस ये दे रखा है, ठीक है। ये सेक्शन जो दे रखा है आपको, ये सेक्शन के अंदर अलग अलग तो लोड दिए हुए हैं आपको इसके अंदर, और अलग अलग लेंथ दी हुई है लोड्स, ठीक है। जैसे ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे लोड कितना ले रहे हैं, 50 एम्पियर। सी बी की लेंथ कितनी है, 400 मीटर। सी पे लोड कितना ले रहे हैं, 200 एम्पियर। डीसी की लेंथ कितनी है, 500 मीटर। डी से लोड ले रहे हैं 150 मीटर। ईडी की लेंथ कितनी है, 500 मीटर। ई पे लोड ले रहे हैं 100 एम्पियर। एई की लेंथ कितनी है, 500 मीटर बच जाएगी, जो रिमेनिंग जो लेंथ बच जाएगी वो ये हो, ठीक है। यहाँ करंट कितना है, 50 एम्पियर। यहाँ करंट तो सी बी में करंट कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर बता रखा है आप, ठीक है। सी से करंट कितना ले रहे हैं, 200, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, 250 एम्पियर। कैसे लगाते जाइए, बस पहले सारा करंट लिख लीजिए। डी से करंट ले रहे हैं 150, तो कितना हो जाएगा, 150, ये करंट 250 जा रहा है, 150 यहाँ जा रहा है, तो 400 एम्पियर हो जाएगा आने वाला करंट, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, ये 150 जा रहा है और ये 250 जा रहा है, तो सब में इसी तरह से करना है आपको,
और ई पे ले रहा हूँ वो 100 एम्पियर, तो 400 यहाँ जा रहा है, 100 यहाँ जा रहा है, तो कितना जाएगा ए सेक्शन में करंट? 500 एम्पियर, 500 एम्पियर। हर एक सेक्शन की लेंथ दे रखी है, तो हर एक सेक्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे आर सी बी, आर सी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है प्रति 1000? 0.01 ओम पर 1000 मीटर, तो ये हो गया 0.01/1000। ठीक है, अब लेंथ कितनी है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी मीटर की लेंथ है इस सेक्शन की सी बी की? 400 मीटर। 400 इंटू टू, इंटू टू क्यों किया? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो सिंगल वायर का दे रखा है, लूप रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो करंट ऐसे जाएगा और फिर वापस रिटर्न पाथ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसमें भी ड्रॉप होएगा, तो टोटल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, तब आपका कैलकुलेशन सही होगा। इसलिए सबको 200 मल्टीप्लाई किया है, तो 0.01/1000 सब में आएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है अपने को ये। और जितनी लेंथ है सेक्शन की इंटू टू कर दीजिए, ये आ गया 0.08 ओम। आर सी डी सब में वही निकलेगा, 0.01/1000 इंटू टू इंटू सी डी की लेंथ कितनी है? 600 मीटर। 600 मीटर है तो 600 मीटर है तो 600 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 600 मीटर। ये ढंग से नहीं दिख रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 600 मीटर। ओके, ये रेजिस्टेंस आएगा 0.012। फिर ईडी, ईडी की लेंथ कितनी है? 500 मीटर, तो 0.01/1000 इंटू टू इंटू 500, 0.01 ओम। एई की लेंथ भी 500 है, सेम रेजिस्टेंस आएगा 0.0। ये सारे रेजिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब इन सब सेक्शंस का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल, एई में वोल्टेज ड्रॉप, एई यहां से निकाल लो, रेजिस्टेंस कितना है? 0.01 ओम। करंट कितना है? 500, तो 0.01 × 500 कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ईडी में ड्रॉप कितना हो जाएगा? ईडी में करंट कितना है? 400 × 0.01, ये रेजिस्टेंस यहाँ से चेक करते जाइए, 0.01 × 400, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, डीसी में, डीसी में रेजिस्टेंस कितना है? 0.012, ये गलत लिख दिया, 0.012, 0.012 आएगा, पूरा दोबारा लिख देता हूँ, 0.012। जीरो पॉइंट जीरो वन टू इंटू 250 ये आएगा, 0.012 इंटू 250, तो ये वैल्यू जो आएगी 0.01/0.012 इंटू 250, ये 3 वोल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, 250 आएगा, 3 वोल्ट आएगा ना, तो गलत है ये, ये गलत है ये। अब क्या स्टूडेंट्स के हैं यार ये नोट्स? मेरे तो बनाए हुए हैं नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ। ये आएगा 3 वोल्ट, करेक्शन करता जाता हूँ मैं। ठीक है ना, कितना है ये? दिस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, और सीबी में रेजिस्टेंस कितना? 0.008, 0.008 इंटू 50 या आ जाएगा 0.4 वोल्ट। तो ये देखिए सारे वोल्टेज ड्रॉप आ गए अपने पास, बिल्कुल आसान है। ऊपर मैं चाहे लिख देता हूँ वोल्टेज ड्रॉप, अगर थोड़ा सा क्या कंजिस्टर हो जाएगा डायग्राम। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 5 वोल्ट, पर लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 5 वोल्ट। इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 4 वोल्ट। इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 3 वोल्ट। और इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? कितना आया था ये?
400 तो करंट है इसमें, नहीं 500 तो करंट है, रेजिस्टेंस था 0.008, देखो कितना आया था इसमें, जीरो पॉइंट फोर वोल्ट, 0.4 वोल्ट, ये देखिए छोटा कर देता हूँ इसको, जो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, 50% कर देता हूँ, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आया 5 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आया 4 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आया 3 वोल्ट, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आया 0.4 वोल्ट। मीना में तो मतलब क्लास के लिए फोन किया था मैंने, तो अब तो क्लास खत्म हो रही है। तो कर लो कल, कर लो अभी, कल से क्लास ऑन हो ही रहेगी हमेशा, ठीक है ना। ओके, अब वोल्टेज कंट्रोल करना है। देखिए सप्लाई वोल्टेज कितना है, 300 वोल्ट दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज इज 300 वोल्ट, तो VE कितना होगा, 300 माइनस 5 295, VE 300 माइनस AE में वोल्टेज ड्रॉप, 300 माइनस 5 बराबर 295। D का वोल्टेज कितना होगा, VE माइनस CD में ड्रॉप, VD बराबर VE माइनस CD में ड्रॉप, VA 295 माइनस 4 इक्वल टू 291 वोल्ट, 291 वोल्ट। VC, VC कितना हो जाएगा, VD माइनस CD में ड्रॉप, CD में ड्रॉप 3 वोल्ट है ना, ये गलत है, 291 माइनस 3 होएगा, ये देखिए 3 होगा, तो कितना होगा 288 होएगा, जैसे ये गलत है, ये 288 होएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिए, दिस इज 288, 288.5 नहीं होगा, ये होगा 288, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, होगा ना, समझ में आपको आसानी रहेगी, 288, ठीक। और बी का वोल्टेज कितना होगा, 288 बी सी माइनस सी बी में ड्रॉप, सी में ड्रॉप कितना है 0.4, तो 288 माइनस 0.4 दिस इज इक्वल टू 287.6, ये भी गलत है, ये होगा 288 माइनस 0.4 इक्वल टू 287.6 वोल्ट, ये रहेगा, ये गलत है, समझ में आ गया क्या भैया, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, है ना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आपको हर सेक्शन का रेजिस्टेंस, हर सेक्शन में करंट और हर सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, बस इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, सारी सारी केबल कैसे लगाना है, और सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, सिंगल पॉइंट से जो फीड किया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये है डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन पॉइंट, फेड फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया, ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसको, क्या नाम है, नोट्स अपलोड कर दूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, आप इसको ढंग से देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास अपन बंद करें। सर इसमें हर केस में टू से मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? देखिए अगर वो ये देता है कि लूप रेजिस्टेंस इतना है, वो दो तरह से दे सकता है कि प्रतीक चालक का प्रतिरोध इतना है, जब प्रतीक चालक देगा जब तो आपको दो से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो एग्जामिनर ये लिखता है कि लूप रेजिस्टेंस इतना है, लूप रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इतना है, पर 1000 मीटर इतना है, तब दो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लूप रेजिस्टेंस दे रखा है दो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रति चालक का रेजिस्टेंस दे रखा है दो से मल्टीप्लाई करना है, आया समझ में? ओके सर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए वो क्या दे रखा है उसने, ठीक है, चलो बंद करो।
हेलो सर। बंद करो क्लास। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर हैं बंद करो, ठीक है ना? हाँ सर एई में वोल्टेज ड्रॉप निकालने तो रेजिस्टेंस इनटू करंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सभी में ऐसे करेंगे, ई में क्यों, सब में ऐसे करेंगे, सब अरे में। ऊपर यहाँ पे करंट दिखा रखा गया, ऊपर ही ऊपर ये साइड ये विजिबल नहीं हो रहा। ए के पास करंट कितना है? ये है 500 एम्पियर, उसके आगे 400 फिर ऐसे कुछ चार है। सौ है, फिर 400 में 150 गया तो 250 बचा, 250 में 200 गया तो 50 बचा। ओके सर। कल मैं एक्चुअली क्या खुद ही बनाऊंगा नोट्स, ये क्या इतना क्लैरिटी नहीं आ रही अभी, मतलब 2-3 दिन टाइम नहीं मिला। कल से जो मैं खुद पहले खुद बनाऊंगा नोट्स, ये तो क्या स्टूडेंट के न्यूमेरिकल थे है ना, तो राइटिंग में से ढंग से नहीं थी, कल से आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके ऊपर। फिर तो कुछ उसने गलतियां भी कर रखी हैं, तो गलतियां भी दूर रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है ना? ओके सर। ओके।